के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी लुधियाना ब्रह्म कुमारी आश्रम में पहुंचे। हमारे चैनल के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पूरा परिवार मोदी जी के साथ है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 70 में ग्रह छोड़ दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है और आत्मीयता से समर्पित किया है। पारिवारिक संबंधों को उन्होंने ब्रेक लगा के रखी है। सिर्फ आज माँ जिंदा है तो माँ के पांव छूने के लिए अपने जन्मदिन पर आते हैं। बाकी पारिवारिक संबंधों में कोई भी अच्छे या बुरे प्रसंग में नरेंद्र भाई 70 के बाद आए नहीं हैं। एक दफे आए थे, पिताजी का देहांत हुआ था, उनके अग्नि संस्कार में हाजिर रहे थे, फिर वो चले गए थे। ये नरेंद्र भाई का व्यवहार परिवार के साथ है, इसकी खोज करनी है तो आपको खुला चैलेंज है। परिवार साथ न देता तो आज तक में मीडिया वाले कितने कपड़े फाड़ देते। ये नहीं फटे हैं, इसी का ये परिणाम है। इसको देश की जनता किस नजरिए से देखती है, 2024 में इलेक्शन आएगा पता लग जाएगा। उन्होंने एक भाषा के मामले में तो अमित शाह ने बोला था, नरेंद्र भाई तो बोले नहीं है, तो आप अमित शाह से पूछिए ना, अमित शाह से पूछिए। मेरी तो राय ये है कि देश की, जब मैं छोटा सा पढ़ता था तब भी कहा जाता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है देश की, तो फिर वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन 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 स्टेट की जो भाषाएं हैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, वो तो अपने हिसाब से चल। विरोधियों को तो वही करना है ना, वही करते रहेंगे। अर्थव्यवस्था आगे आने वाले दिनों में देखते रहिए, कुछ तो बदलाव आ जाएगा। अभी तो बदलाव जैसा है नहीं, क्योंकि मैं तो राशन की दुकान चलाता हूँ, मुझे तो सरकार गेहूँ बेच देती है, पूरा बिक जाता है, मुझे तो पूरी आमदनी मिलती है, मैं कैसे अर्थव्यवस्था को गलत बोलूंगा।